दोस्तों आज की कहानी है भाभी जी अपनी बहू को शुरू से ही कंट्रोल में रखना। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। भाभी जी बहुओं को तो जैसे ढालो वैसे ढल जाती है, शुरू से ही कंट्रोल में रखना। आप तो अपनी बहू को अब हमारी वाली कोई देख लो, शुरू में थोड़ी सूटकिया दे दी अपना मास्टर निपना, अब गर्मी सलाने लगी है। सुशीला जी ने अपनी पड़ोसन रीमा जी से मूसा बनाकर कहा, रीमा जी भी ताल में ताल मिलाते हुए बिल ली, खेर तुमने भी तो हद ही करी थी। शुरू में तो इतना सिर चढ़ाया बहू को जैसे किसी और के खानदान में कोई बहू ही नहीं आई हो। न कोई पल्ला न साड़ी, खूब सूट पहन कर घुमाया बाजारों में। शादी के अगले हफ्ते से हमने तो तब कुछ कहा नहीं कि कभी आपको बुरा लग जाए, अब तुम ही तो भुगत रही हो। हम बस क्या पता था हमें, और फिर जैसे किस्मत में लिखा था। और क्या, सुशीला जी ने भी मूसा सिकोड़ते हुए कहा, ये लो आ गई मास्टर ने बहू तुम्हारी। रीमा जी हंसकर बोली, अंदर से बच्चों को सुलाकर सुशीला जी की बहू प्रीति बाहर आई और रीमा आंटी को देखकर उनके पैर छुए और पास में बैठ गई। कैसी है आंटिया, प्रीति ने पूछा। बस बढ़िया, तुम सुनाओ। तुम बहू रानी, मैं तो बहुत देर से बैठी हूँ, तुम देखे नहीं तो सोचा कि शायद आराम कर रही होगी इसलिए नहीं उठाया। रीमा जी ने भी तफरी सी देते हुए कहा, नहीं आंटी मैं तो बस बच्चों को सुला रही थी, ट्यूशन के बच्चों की आज छुट्टी कर दी थी न लॉकडाउन की वजह से। प्रीति ने कहा, अब इससे पहले कि रीमा जी कुछ कह दी, सुशीला जी ने कहा जरा साई बना लो प्रीति। तभी एकदम रीमा जी ने कहा, अरे नहीं नहीं मैं तो चल रही हूँ, बहुत देर होगी, बैठे बैठे सोऊंगी मैं भी अब थोड़ी देर। रीमा जी ने अपने घर चली गई और सुशीला जी और प्रीति अंदर आ गए। मम्मी जी मुझे एक बात पूछनी आपसे, अगर आप बुरा ना माने, प्रीति ने कहा अपने सासू माँ से। हाँ बोलो सासू माँ ने कहा, मम्मी जी मैंने कौन सा अपना मास्टर ही नहीं पना घर में दिखा है आपके सामने, जो आप आंटी जी से कह रही थी कि मैं सिर पर चढ़ रही हूँ आपके। प्रीति ने आखिर सीधा सवाल पूछा तो सासू माँ पहले देखती रह गई, उसे फिर बोली, ये जो जुबान लड़ाने की आदत है ना, तो तुम्हें यही तो है तुम्हारा मास्टर ही नहीं पना कोई भी आए घर में। मुंह उठाकर सूट में सली आती हो तो सामने कोई लिया शर्म है कि नहीं, कुछ भी कहो तो अपनी राय जरूर देनी हर बात में। और तो और अब खाना भी मैडम की मर्जी का उबला हुआ खाओ, मैं ये मास्टरनी नहीं पना किसी की भी कोई लियाज नहीं रही, तुम्हें अब कुछ कहती नहीं। मैं तो अब सिर पर ही नाचने लगी हो कि मुझसे सवाल जवाब करने लगी हो, खैर गलती तो हमारी है न जो जरूर से ही इतनी सूट दी तुम्हें। सुशीला जी भड़कते हुए बोले, क्या सूट देने की बात कर रही आप मम्मी जी, नौकरी करने को शादी के 5 दिन बाद से आपने तो कहा था, मैंने आपकी बात मानकर कॉलेज ज्वाइन कर लिया, वहाँ क्या मैं भारी साड़ियाँ पहनकर लेक्चर लेने जाती और फिर राय क्यों ना दूँ, मैं अपनी पटी ली क्यों, घर की सदस्य हूँ मैं भी, सही गलत समझती हूँ तो बताने में क्या दिक्कतें रही। खाने पीने की बातों जब मुझे पता है कि ज़्यादा तला भुना आपको भी नुकसान देगा क्योंकि डॉक्टर ने मना किया हुआ है, कबीर को भी नुकसान देगा और साथ ही बच्चों के बताओ क्यों करूं मैं जानबूझकर सबकी सेहत के साथ खिलवाड़। प्रीति बोली रही होती है कि कबीर दुकान से आता है और बात 20 में कट जाती है। कबीर सोफे पर आकर बैठा ही था कि सुशीला जी बोली, देख कबीर अगर घर में शांति सही है तो मम्मी बहुत टेंशन में हूँ, मैं सिर फटा जा रहा है, प्लीज़ फिलहाल कुछ मत बोलो। कबीर ने कहा, ये सही है, कोई सुनने वाला नहीं, मेरी गूंगी बना रखा है घर में, बस मास्टरनी की सुन लो, बड़बड़ करती हुई सुशीला जी कमरे में जाकर लेट गई।
प्रीति ने कबीर को पानी दिया और परेशानी का कारण पूछा। कबीर ने बिजनेस में हुए 30 लाख के नुकसान के बारे में बताया, जो कि पार्टनर के धोखे के कारण उसके सिर पड़ा था। क्या करूं प्रीति को समझ नहीं कैसे करूं 30 लाख का इंतजाम। कबीर ने सिर पकड़ते हुए कहा, तुम परेशान मत हो, अकेले कबीर मिलकर सोचेंगे। फिलहाल तुम मम्मी जी के पास जाओ, उनसे भी बताओ, बड़ों से मन की बात कहने से भी बहुत हद तक मन हल्का होता है, मैं खाना लगाती हूँ। इतने प्रीति ने कबीर को सुशीला जी के पास भेजा। कबीर माँ के पास गया कमरे में और उनसे बात करनी चाहिए। सुशीला जी का मूड तो बहुत खराब था, यही सुबह शाम सुन रही वो बाप कबीर की, कैसे करो कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। मम्मी कबीर ने सुशीला जी के कहा, अब मैं क्या कहूँ, बुढ़ापे का दिमाग इतना काम नहीं करता। प्रीति से पूछो, मास्टर नहीं है आगे सही राय देगी वो ही, सुशीला जी ने टोंट मारते हुए कहा। प्रीति ने सुन लिया था ये, पर फिर भी कुछ बोली नहीं, क्योंकि वो अच्छे से समझती थी ये बस का टाइम नहीं था। 30 लाख छोटी रकम नहीं होती, ना तो इतना केस था और न ही कोई जमा पूंजी। बस एक 250 गज में बना हुआ घर था और एक दुकान जिस पर उसने शोरूम खोल रखा था साड़ियों का। खैर काफी सोच समझ के बाद प्रीति और कबीर ने मिलकर लोन एग्जिस्ट प्रॉपर्टी का रास्ता निकाला, जिसमें शोरूम वाली जमीन को गिरवी रखा। लेकिन शोरूम को बेचने से प्रीति ने मना कर दिया। उसने कबीर को सलाह दी कि चलते हुए बिजनेस की जगह को बेचने से सब खत्म हो जाएगा, इससे अच्छा तो उस पर लोन लो, बिजनेस चलता रहेगा जिससे किस्त भी जमा की जाएगी। आखिर पैसों से पैसा बनता है। फिर कबीर के साथ उसने अनगिनत शक्कर काटे। बैंक के लोन कराने के लिए जो भी समस्या आई उन सबको प्रीति ने अपनी समझदारी से हल किया और कुछ ही दिन में लोन सेकअप हो गया और अमाउंट बैंक अकाउंट में आ गई, जैसे कबीर ने रात की सांस लिया, शांति मिली। हे मम्मी, अब इस नुकसान से निपटा जाएगा वरना घर तक बेचना पड़ जाता। अगर प्रीति ये रास्ता न दिखाती तो आज साबित हुआ कि सही मायनों में ये मास्टरनी बहू है तुम्हारी, कबीर ने हंसकर सेठते हुए कहा। सुशीला जी बस हंसते हुए हामी भर पाई कबीर की इस बात पर, क्योंकि आज मान तो वो भी गई थी कि उनकी मास्टरनी बहू ने ही एक बहुत बड़ी समस्या से निकालने का रास्ता दिखाया, वो भी पूरी जिम्मेदारी उठाकर। पर आखिर थी सासू माई, वो भी प्रीति की ईगो बेस में आई गई, इसलिए बिना कुछ कही सुबह शाम अपनी मास्टरनी बहू पर गर्व कर रही थी।